हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा। मैं हूँ पूनम और ये आज मैंने किया है वाइन रेड मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ले रही हूँ नीविया की क्रीम और ये फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। सो मैंने इसे फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ एले गर्ल का कंसीलर और सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे, इसीलिए मैं अपने आईज़ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे कंसीलर हैं एले गर्ल ब्रांड के और कवरेज भी काफ़ी अच्छा देते हैं, तो मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और देन मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से भी इस तरह से सेट कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ फेस स्कैनडा का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे मैं सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये हिलेरी रोडा का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने लिया है ये वाइन रेड कलर और इसे मैं इस तरह से क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड और इन एंड आउट डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। और आउटर कॉर्नर में वी के शेप में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ सेंटर आईलेट पे और इस तरह से कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये गोल्डन शेड और इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी सेंटर आईलेट पे। और देन मैं लोअर लैश लाइन पे भी फाइन रेड कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। देन मैं ले रही हूँ मेवलिन का ये लेस सेंसेशनल मस्कारा और इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी आई लैशेस पर। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है ये आई लैशेस को। देन मैं ले रही हूँ मेवलिन का जेल लाइनर और इसे मैं इस तरह से आईलिट पे अप्लाई कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा स्मच करते हुए अप्लाई करूंगी। ये मैं इस तरह से ब्रश की हेल्प से स्मच कर रही हूँ थोड़ा सा, जिससे कि जो मुझे जिस तरह का लुक चाहिए वैसा लुक आ सके। और देन लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ मैं लाइनर इस तरह से। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये गुड वाइव्स का सीरम और इसे मैं इस तरह से फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये है मलबेरी सीरम, बहुत ही अच्छा सीरम है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ये कंसीलर प्लस फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कवरेज देता है और बिल्कुल भी हैवी या केकी बिल्कुल नहीं लगता है फेस पे। इस तरह से ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये टीन टीन आईब्रो पैलेट से ब्राउन शेड और इसे मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ इस तरह से नोज़ पे एंड फेस पे। इससे नोज़ बहुत ही स्लिम लगती है और फेस पे भी एक मतलब फेस भी बहुत अच्छा शार्प लगने लगता है, सो इसलिए मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और देन मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज़ और फोरहेड पर। सो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है और ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये शिवाना कलर्स का ब्लश, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बिकॉज इसका कलर बहुत ही प्यारा है और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ हाइलाइटर और ये है वेट एंड वाइल्ड का गोल्डन शेड है और इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी चिक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पर, चिन पर, आइज़ में, इनर कॉर्नर्स पर। और इसके बाद मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 का वाइन रेड शेड है, लाइक थोड़ा सा बर्गंडी काइंड ऑफ है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है इसका। सो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक।
आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको लुक। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सारे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।